नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उज्जैन पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह के निर्देशन और सिटी एडिशनल एसपी द्विवेदी के आदेशानुसार महाकाल सीएसपी रजनीश कश्यप के मार्गदर्शन में नीलगंगा थाना प्रभारी रविन्द्र यादव अपनी टीम के साथ लगातार पूर्ण ईमानदारी से अभियान का पालन करते हुए लगातार सभी प्रकार के माफियाओं पर कार्यवाही करने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। जब थाना प्रभारी रविन्द्र यादव अपनी टीम के साथ चेकिंग प्वाइंट दाऊद खेड़ी पर खड़े थे, उसी दौरान एक क्लासिक वाहन तेज गति से चले आ रहा था। पुलिस को देख वाहन चालक ने वाहन घुमा लिया और यू टर्न कर भगाया। उसी दौरान एक क्वालस वाहन तेज गति से चले आ रहा था। पुलिस को देख वाहन चालक ने वाहन घुमा लिया और यू टर्न कर भगाया। उस दौरान थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ क्वालस वाहन का पीछा किया, भूखी माता क्षेत्र में जाकर दबोच लिया। शराब माफिया अपना वाहन छोड़कर भागने के लिए, मगर पुलिस ने क्वालस वाहन से 80 पेटी देसी शराब बरामद करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस प्रकार की कार्यवाही को देखते हुए उज्जैन पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह द्वारा पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा भी की है। इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी रविन्द्र यादव, सब इंस्पेक्टर राखी गुर्जर, आरक्षक राहुल कुशवाहा, दिग्विजय सिंह, कमल पटेल, घनश्याम भोजराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उज्जैन पुलिस कप्तान द्वारा इन सबको नगद पुरस्कार देकर इनका मनोबल बढ़ाने का कार्य भी करेंगे।